के तिलक का आज दिन है, लगातार काउंटिंग चल रही है। और रामपुर का अपडेट आपको दे देते हैं, रामपुर से बड़ी खबर है, आसिम राजा लगातार वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, काउंटिंग चल रही है। सपा के आसिम राजा 5,206 वोट से आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे मतगणना के राउंड बढ़ रहे हैं, उनका जो आंकड़ा है, दायरा है, बढ़ता चला जा रहा है। 5,206 वोटों से सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं नौवे राउंड में। 5,206 वोटों से आसिम राज आगे। हमारे साथ रामपुर से अविनाश जुड़े हुए, खतौली से सनुज हैं, और मैनपुरी से बिरुचि वीरेश पांडे हैं, नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अविनाश आपके पास आ रहे हैं, रामपुर में 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, आसिम राज आगे चल रहे हैं, कितने राउंड होने अभी बाकी हैं और क्या माहौल है वहां सियासी तौर पर? जिनको अध्यक्ष बात करें तो यहाँ पे 33 राउंड कुल होने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रही थी, प्रशासन पे सवाल उठा रही थी, लेकिन रामपुर में फिलहाल 9 राउंड की अगर बात करें जिनकी गिनती अब तक हो चुकी है, 9वें राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे रहे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एक बार आपको मतगणना स्थल की तस्वीरें दिखा देते हैं, यहाँ पे किस तरीके से जो शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना है वो चल रही है, और खुद जिला अधिकारी यहाँ पे लगातार मौजूद है, डीएम भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर आप बताइए, लगातार सुबह से आप यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी तरीके से निगरानी बना के रखे हुए हैं, क्या कुछ आप लोग की तैयारियां विशेष तौर पर, और जो एक आरोप लग रहा था प्रशासन के ऊपर वो कहीं ना कहीं हटते हुए दिख रहा है? देखिए, जो अभी तक 9 राउंड की काउंटिंग हो गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 9,196 उनको मत मिले हैं, और मोहम्मद आसिम राजा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं 14,402 मत उन्हें 9वें चक्र तक प्राप्त हुए हैं। हमारी तैयारियां पूरी हैं, सभी जो हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर्स अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पे शांतिपूर्वक काउंटिंग करा रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारियाँ पूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया हुआ है, कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पे सुनवाई करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच खुद कर रही है। आरोप यही है कि प्रशासन ने यहाँ पे लोगों को वोट नहीं डालने दिया, क्योंकि आप जिलाधिकारी हैं तो जिलाधिकारी के नाते आप निर्वाचन अधिकारी भी हैं, तो क्या ये आरोप किस तरीके से हैं और क्या आप लोग जवाब देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट मांगता है तो? देखिए, वो तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई चीज आती है, तो एक बार उसको ठीक है। अविनाश लौटेंगे मैनपुरी से, एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बताते हैं। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 1,00,000 वोट की लीड मिली है डिंपल यादव को, सबसे ज्यादा जसवंत नगर क्षेत्र से डिंपल को बढ़त मिली है, ये बड़ी जानकारी। शिवपाल यादव के क्षेत्र से डिंपल को सबसे बड़ी बढ़त मिली है, सिर्फ जसवंत नगर में ही डिंपल यादव करीब 70,000 वोटों से आगे चल रही है, और अभी काउंटिंग के कई राउंड होने बाकी है, यानी कि अभी स्थिति और ज्यादा बदलेगी। नितिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। नितिन, अभी तक का अगर देखें तो जसवंत नगर की अकेली सीट से 70,000 से ऊपर वोट डिंपल यादव को मिले हैं, और ओवरऑल 1,00,000 से ऊपर, कितने राउंड बाकी और तस्वीर कितनी बदल सकती है? देखिए, बिल्कुल जसवंत नगर में 35 राउंड है, और ऐसे में अगर 22 राउंड में करीब 70,000 का लीड मिल रहा है, और ये जो कुल बढ़त है 1,00,000 तक पहुंच रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चाचा शिवपाल ने पूरी तरह से पार्टी के प्रति उनकी जो निष्ठा है, समर्पण है, और जो कहा जाए समाजवादी पार्टी के लिए चाणक्य की जो भूमिका थी उसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतार दिया है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव को ये पता चल गया था कि चाचा शिवपाल के बिना ये कहीं ना कहीं ये मैनपुरी की धरती पर चीज राहें कठिन हो सकती थी। तो अब 1,00,000 से ज़्यादा वोटों से डिंपल यादव आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को क्या अब रिटर्न गिफ्ट में क्या देते हैं, क्योंकि ये तमाम सुगवाट भी चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी उनको मिल सकता है। कुल मिला के ये तय हो गया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से, सैफई कुनबे की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नेताजी को के लिए श्रद्धांजलि का ये चुनाव है, तो सहानुभूति यानी सिंपैथी फैक्टर, सहानुभूति संवेदना और विकास के का कॉकटेल बनाया है कि जरिए कहीं ना कहीं मैनपुरी में लोगों ने समाजवादी पार्टी को मैंडेट दिया है। समाजवादी पार्टी का जो भावनात्मक लगाव रहा, नेताजी का जो 1-to-1 लगाव रहा, और उनकी करीब 55 से 60 साल की जो राजनीति के बाद, उनके निधन के बाद
जो वहाँ रिक्तता जो शून्यता रही उसके लिए कहीं ना कहीं जनता का जो भावनात्मक अटैचमेंट जो इमोशनल अटैचमेंट रहा है वो चीज़ें आज इस चुनावी मतगणना में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। और अब 2024 आम चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी इस चीज़ को ये मैसेज देने का काम करेगी कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से कि उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई है। देखिए, और अगर ये बीजेपी सीट को जीतती तो कहीं ना कहीं मिशन 80 के लिए ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से डेंट करती। अब ये कहेगी कि समाजवादी पार्टी ही विकल्प है, जनता का विकल्प है, और ऐसे में वो उन पुराने किलों को भी दोबारा वापस लाने के लिए जद्दोजहद करेगी जो 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से छीन लिए थे। लाइक जो बदायूं सीट है, धर्मेंद्र यादव जहां से चुनाव हारे, अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से चुनाव हारे, डिंपल यादव कन्नौज सीट से चुनाव हारे, तो बहुत ही कहा जाए मोरल बूस्टअप का काम ये इलेक्शन करने वाला है। और जिस तरह से लगातार निराशा के दौर में समाजवादी पार्टी क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।